नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज जो है मैं अदरक का प्लांट आप किस तरह से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, तो स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। अदरक का प्लांट लगाने का अगर सही टाइम आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है अदरक के ऊपर छोटी छोटी सी जो ये आँखें दिख रही है जैसे आलू में भी निकलते हैं उसी टाइप का इसमें भी निकल आता है। तो ये छोटी छोटी सी आँख जब आपको दिखे किसी भी अदरक के अंदर तो आप उसको जो ईजिली उस टाइम पर लगा सकते हैं। मैंने जो ये प्लांट है जून मंथ में लगाया था और मैं ये लगाने के बाद ही जो आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगी। तो इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस आप करके लगा सकते हैं। अगर आपका अदरक का टुकड़ा बड़ा है तो आप छोटे छोटे कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले दोस्तों मैं वाटर ले रही हूँ और जो अदरक है उसमें बहुत ही ज़्यादा फंगस का अटैक होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर साफ फंगीसाइड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई और भी फंगीसाइड अगर आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको जस्ट जैसे एक चुटकी या उससे थोड़ा सा मतलब एकदम 1/4 चम्मच जितना होता है उतना आप ले लीजिए, बहुत ही कम मात्रा में। इतना मात्रा में आपको साफ फंगीसाइड पानी में घोलकर और जो है इसे 10 मिनट तक भिगो के रखना पड़ेगा। 10 मिनट भीगने देती हूँ मैं इसको जब तक, तब तक मैं आपको ये बता दूँ कि अदरक के प्लांट में जो है फंगस का अटैक बहुत ही ज़्यादा आता है। तो अगर आप इसको 10 मिनट तक भिगो के रखेंगे तो अगर अदरक में भी किसी तरह का फंगस अगर है तो वो भी आपका जो है प्लांट को बनने से नहीं फिर रुकेगा। तो एक चीज़ ये हो जाती है कि इसको जो है फंगस के अटैक से हम पहले बचा लेते हैं। और जब मैं वाटर जो यूज़ करूँगी गमले में डालने के लिए तब भी मैं यही वाटर यूज़ करूँगी ताकि मिट्टी में भी अगर किसी तरह का फंगस है तो वो भी जो है नहीं लगेगा फिर मिट्टी से भी किसी भी तरह का फंगस का अटैक। अगर आप मेरे तरह जैसे पुरानी मिट्टी जैसे गमलों की है वही अगर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि गमलों की मिट्टी कोई भी फेंकता नहीं है, उसी को ही हम धूप दिखाने के बाद में जो है वापस हम उसमें कंपोस्ट ऐड करके और जो है वही मिट्टी हम यूज़ में लेते हैं, तो काफ़ी बार उसमें फंगस का अटैक हो जाता है। तो अगर आप फंगस का अटैक से बचाना चाहते हैं अपने मिट्टी से तब आपको किसी भी तरह का फंगीसाइड जो है यूज़ कर लेना चाहिए। तो चलिए मैंने मिट्टी बिल्कुल रेडी करके रख ली है पहले से ही ताकि आपको बहुत ही आसानी से फटाफट से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आराम से आपको जो है दिखा पाऊँ। तो ये है मैंने मिट्टी काफ़ी पूरा भर लिया है। और मिट्टी रेडी करने के लिए दोस्तों मैंने जो है तीन तरह की मिट्टी लेती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। बट पहले मैं बता दूँ कि अदरक को सीधे नहीं लगाया जाता, आप जैसे ही अदरक है वैसे ही वैसे आप बस रखते जाइए। और आप देख सकते हैं अगर आपके अदरक बड़े टुकड़े हैं तो आप छोटे टुकड़े कर सकते हैं और छोटे छोटे पीसेस में भी उसको जो है ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इनको जितना छोटा हो सके उतना कर लिया है। अगर आप चाहे तो और भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े अगर करेंगे तो काफ़ी बार नहीं भी लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मीडियम साइज़ का आप मेरी तरह इस तरह का कर लीजिए। और जो अदरक है दोस्तों उसमें जो मिट्टी मैं ऐड कर रही हूँ वो मिट्टी भी मैंने जो है तीन तरह की चीज़ें ऐड करती हूँ मैं, नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड और जो कंपोस्ट है वो ऐड कर लेते हो। तो मेरे जो मिट्टी है उसमें ज़्यादातर सैंड की मात्रा काफ़ी रहती है क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो इक्वल रखती हूँ। तो पुरानी मिट्टी है तो मैं उसमें जो है जितना मिट्टी है उसका हाफ जो है कंपोस्ट ऐड कर लेती हूँ। तो इससे भी मैंने उसी तरह से ही जो है रेडी किया है और अब मैं इसको पूरी तरह से कवर करूँगी। कम से कम इसको 1.5 से 2 इंच तक इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से आपको ढक देना है। इसके बाद जो है दोस्तों जो वाटर मैंने जो रखा हुआ था साफ फंगीसाइड वाला वही जो है मैं इसमें डाल दूंगी ताकि जो है किसी भी तरह का फंगस इसमें ना लग पाए। और इसके बाद जो है इसको जो है दोस्तों मैं आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। अब ये 20 दिन बाद का वीडियो है, 20 दिन बाद आप देख सकते कितने छोटे छोटे से जो है बेबी अदरक के जो प्लांट जो है निकले हैं। और अब जो है दोस्तों आपको जो आगे जो मैं दिखाऊंगी ये जो है 35 डेज़ का है, 35 डेज़ में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिख रही होगी। बट फिर भी अभी तक भी बहुत अच्छे से जितने मैंने लगाए थे उतने तो निकल ही चुके हैं, मतलब छोटे छोटे से है बट फिर भी काफ़ी अच्छे से जो है प्लांट निकल चुका है। दोस्तों अदरक का प्लांट आप जब लगा दे तो उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है आप इसको प्रॉपर धूप में रखिए, वाटर इसमें तभी दीजिए जब इसको ज़रूरत हो, मतलब आपकी मिट्टी गीली है और आपने और वाटर डाल दिया ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि वैसे भी रेनी सीज़न अभी चल रहा है
तो आप कम से कम मिट्टी को एक बार चेक कर लीजिए। आप मिट्टी में अपनी उंगली डालकर भी देख सकते हैं, अगर मिट्टी गीली है तो वाटर ना दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली के ऊपर अगर आप पानी और डालेंगे तो फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप इसको जो है धूप में रखिए, पानी की मात्रा में उतना ही दीजिए जितना कि आपके जो प्लांट को ज़रूरत है, तो आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, अदरक का प्लांट, और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। दोस्तों अब जो है 45 डेज का जो है वीडियो मैंने ये क्लिप ली है, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट काफ़ी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है अदरक के प्लांट की। आप चाहे तो इस समय जो है अदरक के प्लांट को दूसरे किसी बड़े कंटेनर में भी जो है लगा सकते हैं या बड़े पॉट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट मैं इसी में ही रखूँगी क्योंकि ये मेरा जो है 10 इंच का पॉट है, और अगर अदरक इसमें लग भी जाएगा बहुत सारा तो उसके बाद चेंज कर लूँगी। लेकिन अगर आप बड़े जगह पे लगाना चाहते हैं तब भी इसे जो है इस समय जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।